नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज़ 9X। आज 24 सितंबर 2020 है। 24 सितंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 57,30,000 हो गया। इनमें से 46,71,850 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना के मामले बिहार में तेजी से घट रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तरी बिहार के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिकांश घनी आबादी वाली बस्तियों में जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। कई नदियों का जलस्तर भी एक बार तेजी से बढ़ने लगा है। भागलपुर के खड़िक में उस समय भारी बावेला मच गया जब उच्च विद्यालय अठगामा के एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी पिटाई कर दी गई। इस हंगामा को शांत करने आई पुलिस पर भी ग्रामीण उबल पड़े, धक्का मुक्की भी करने लगे। पुलिस ने ग्रामीणों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव और क्राइम कंट्रोल के दृष्टिकोण से भागलपुर शहर में 6 एंट्री पॉइंट चिन्हित कर दिए गए हैं। वहां 3 पालियों में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। इन पुलिस कर्मियों पर सुरक्षा के लिए पैनी नज़र रखने की जवाबदेही दी गई है। इसकी जवाबदेही में जाम न होने देना, शराब और हथियार की चेकिंग करना तथा किसी भी तरह की तस्करी पर कार्रवाई करना होगा। चूंकि भागलपुर शहर का एंट्री पॉइंट झारखंड राज्य से जुड़ा है, इसलिए भी इस पर खास नज़र रखने का निर्देश दिया गया है। सुपौल जिले के सिमरिया गांव में कौशल्या देवी की हत्या कुदाल से काट काट कर कर दी गई। उसकी खता इतनी ही थी कि वह अपने पड़ोस में 2 भाइयों के विवाद को सुलझाने गई थी। उसके पड़ोस में विनोद मंडल अपने बड़े भाई मनोज मंडल से लड़ाई कर रहा था। विनोद कुदाल लेकर मनोज को काटने दौड़ा। मनोज की बीवी चीख चीख कर समाज में लोगों से हेल्प मांग रही थी। उसी में कौशल्या आई थी। विनोद ने आओ देखाना तो कौशल्या के ऊपर ही कुदाल चला दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। पुलिस इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंच गई और हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के राजधानी पटना के PMCH गर्ल्स हॉस्टल में NMCH के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर शिवांगी की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली। वह गर्ल्स हॉस्टल में अकेले रहती थी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 40 लाख की शराब के साथ एक ट्रक को जब्त करते हुए ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई बिहार में अररिया जिले के हरियाबारा टोल प्लाजा के पास की गई है। गिरफ्तार ड्राइवर अररिया जिले के रानीगंज का रहने वाला बताया गया। शराब से लदी ट्रक बंगाल से अररिया के रास्ते मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। इधर पूर्वी चंपारण के एक सरकारी स्कूल के कमरे से शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। DSP सुनील कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षक की संलिप्तता सामने आई है। स्कूल से 169 कार्टून शराब मिली है। भागलपुर में दिन दहाड़े एक दूध व्यवसायी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना बराड़ी थाना क्षेत्र के मायागंज मोहल्ले की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक का नाम प्रदीप यादव बताया गया। मुजफ्फरपुर के पानापुर पुलिस ने ध्यानी चौक से एक पिकअप पर लदे 120 कार्टून शराब जब्त किया है। मौके से धंधेबाज चकमा देकर फरार हो गया है। पुलिस ने कारोबारी को चिन्हित कर लिया है। बेगूसराय के दरगाहपुर में एक बाइक की ठोकर से दरगाहपुर निवासी किसान प्रमोद कुमार की मौत हो गई। मृतक साइकिल से रोड क्रॉस कर रहे थे। बाइक सवार भी दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हो गया है। आरा के 2 डीलरों के PDS दुकानों पर छापामारी की गई। प्रशासन ने छापेमारी कर लाखों का अनाज जब्त किया है। यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत पर की गई है। राज्य में करीब 2,35,000 दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं। इसके निष्पादन के लिए विशेष सचिव ने कड़ा निर्देश दिया है। कहा गया है कि जो अंचलाधिकारी इसमें विलंब करते हैं उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मोतिहारी में बिजली के 25,000 उपभोक्ताओं का विद्युत कनेक्शन कट जाएगा। बकाया वसूली के लिए यह अभियान तेज कर दिया गया है। 50 से अधिक बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया गया है। यह कार्रवाई लगातार जारी है। इससे उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। अब किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से सुविधा बढ़ जाएगी। सरकार सभी पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने जा रही है, यानी वहां से कृषि के लिए मशीनें मिलेंगी। शिमुलतला आवासीय विद्यालय में सत्र
2021-22 के लिए नामांकन का शेड्यूल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी कर दिया है। सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में छात्र छात्राओं के लिए 60-60 सीटें हैं। इस विद्यालय में नामांकन छठी कक्षा में होगा। छात्रों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 19 दिसंबर है। मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 31 जनवरी बताई गई है। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों की न्यूनतम उम्र 10 वर्ष और अधिकतम उम्र 12 वर्ष रखी गई है। फॉर्म भरने की तिथि 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। पुलिस ने रामगिरिया पहाड़ी पर एक एक कर 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अग्नियास्त्र भी बरामद किए गए हैं। गया में जीटी रोड पर एक खड़ी ट्रक में सेंट्रो कार ने जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में कार सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 3 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना बाराचट्टी के पास घटी बताई जा रही है। सेंट्रो कार झारखंड की ओर से आ रही थी। सेंट्रो पर सवार सभी युवक टीनेजर्स थे। घायल 3 युवक शोभ गांव के बताए गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए भेज दिया गया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अब ड्रग इंस्पेक्टर को तैनात किया जाएगा ताकि नेपाल से भारत आने वाली नशीली दवाओं पर रोक लगाई जा सके। सीवान के मुरारपट्टी पंचायत के सिसवा मोड़ से कालाबाजारी के लिए जुगाड़ गाड़ी पर ले जाए जा रहे जनवितरण का अनाज पुलिस ने जब्त कर लिया। अनाज बिहार से उत्तर प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था। में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। पुलिस ने रामगिरिया पहाड़ी पर एक एक कर 5 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अग्नियास्त्र भी बरामद किए गए हैं। अब बिहार में पोस्टर वार चल रहा है। कभी लालू फैमिली पर तो कभी नीतीश कुमार पर पोस्टर के माध्यम से हमला करने का सिलसिला जारी है। खास बात यह है कि ये तमाम पोस्टर बेनामी होते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं होता। पटना की सड़कों पर बुधवार को एक और बेनामी पोस्टर लगाया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर एक साथ थी, जिसमें लिखा है, मारते रहे बस पलटी, नीतीश की हर बात है कच्ची। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव की फैमिली के खिलाफ पटना की सड़कों पर बेनामी पोस्टर दिखाई दिया था। इस पोस्टर में लालू परिवार पर तंज कसते हुए लिखा था, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर कहा कि वो शुरू से ही पॉलिटिशियन थे, अब वो किसी भी दल से भी चुनाव लड़े, महागठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर अपने प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अगड़ी का निधन हो गया। सुरेश अगड़ी को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। खबरें मौसम की, अगले 48 घंटे तक बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। वज्रपात की प्रबल आशंका जताई गई है। इस बार ट्रफ लाइन उत्तरी बिहार होकर गुजर रहा है, इस कारण यहां वर्षा के आसार काफ़ी ज़्यादा हैं। खासकर गंगा के आसपास बसने वाले गांव के ऊपर खतरा ज़्यादा है। वहां के लोगों को अलर्ट होने के लिए कहा गया है। इधर आपदा विभाग ने राज्य के सभी SP DM को भी चौकस रहने कहा है। बादल अथवा वर्षा की बूंदों के बीच घर के अंदर ही लोगों को रहने कहा गया है। बिहार से सटे बंगाल के दार्जिलिंग में भी भारी बारिश के आसार बताए गए हैं। ऐसे में वहां की नदियों में उफान आने और पर्वतीय इलाके में लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।